नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नगर संग्राम का। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को जहां एक तरफ 2024 में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम पार्टियों ने भी अपने दिग्गज चेहरों के साथ प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच प्राइम टीवी की टीम भगत सिंह प्रथम वार्ड का रियलिटी चेक करने पहुंची और हमने जानने की कोशिश की कि उनके प्रतिनिधि ने अपने वार्ड में कितना काम किया। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल और निर्दल प्रत्याशी चुनावी मैदान में आकर और आम जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और तमाम दावे वादे कर रहे हैं। इसी क्रम में प्राइम टीवी टीम अपने खास कार्यक्रम नगर संग्राम को लेकर प्रदेश के अलग अलग कोनों में जा रही है और आम जनता से बात कर रही है, जिसमें तमाम कमियां और जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो कितने वादों पर खरे उतरे हैं इसको जानने का प्रयास कर रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं भगत सिंह प्रथम वार्ड में, जो कि राजधानी लखनऊ का एक प्रमुख वार्ड है। यहाँ की तमाम जनता यहाँ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि जो इनके जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा किए गए वादों पर कितना वो खरा उतर पाए हैं, और इस बार जब ये 4 तारीख को मतदान देने जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो किन मुद्दों को लेकर करेंगे। सबसे पहले हम युवा से बात करेंगे। अपना नाम बताइए। अमन। अमन, हमें ये बताइए कि जब 4 तारीख को आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो किन प्रमुख मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? जो प्रमुख मुद्दे यही रहेंगे हमारे हमारे क्षेत्र में, अभी तक जिससे पहले जो भी पार्षद जीते हैं, एक जीत के तो चले जाते हैं लेकिन दोबारा अपनी जनता को भूल जाते हैं, तो इस बार हम ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हम लोग के बीच में आए और काम करें। और आप देख ही रहे हैं, शहीद भगत सिंह वार्ड में आप खड़े हुए हैं, अपने बगल में देख लीजिए ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है। आप अपने आंखों से देखिए, कैमरा को दिखाइए आप, अब आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में कितना काम हुआ है। तो बिल्कुल निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये सड़क का किनारा है जहां कूड़ों का एक बड़ा भंडारण देखने को मिल रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। आप अपना नाम बताएं। इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन भाई, हमें ये बताएं कि जब 4 तारीख को मतदान देंगे तो किन मुद्दों पर आप अपना वोट देंगे? हम ये सोचेंगे कि हमारा जो पार्षद हो अच्छा हो और सारा विकास करे यहाँ पर। अच्छे जो जिससे पहले जो पार्षद थे उन्होंने किया वादे किए, उसके बाद भूल गए, उसके बाद कुछ किया नहीं। हम ये चाहते हैं जो हमारे संग्राम यादव जी आएँ और पार्षद बने, हम ये कहते हैं कि इतने अब आएँ और ये विकास करें, यहाँ पर जो कूड़ा उड़ा है सब हटे, यहाँ पर गांव का विकास हो, तो अगले साल इनको और 5 साल के बाद इनको हम फिर आएंगे। अच्छा, ये बताएं कि शहीद भगत सिंह वार्ड में प्रमुख समस्या क्या है, और जब आपके नए जनप्रतिनिधि आएंगे या जो भी हो जिस पार्टी का हो, तो क्या अपेक्षा रखेंगे कि उसको दुरुस्त करें जो समस्या आपकी प्रमुख हो? हम यही समस्या है कि स्कूल जो है उनको देख लें, नाली साली देख लें और कूड़ा वड़ा सब देख लें, और क्या समस्या? यही समस्या है कि अपने समाधान अपने देश को अपने वार्ड को सही रखें, सब करें, और क्या है जी? आप अपना नाम बताएं। हुकुम सिंह। हुकुम जी, हमें ये बताएं कि 4 तारीख को मतदान होना है, अब कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का एक त्यौहार होता है चुनाव, तो इस चुनाव में जब आप 4 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ईवीएम पे बटन दबाएंगे? हम सबसे पहले अपने क्षेत्र में साफ सफाई, विकास, बिजली, नाली, रोड को देखते हुए इस पर निर्णय लेंगे तो हम वोट करेंगे। अगर बात की जाए तो आपके जनप्रतिनिधि है जो यहाँ से चुन के आए हैं, उनके कामों पे आप कितना खुश हैं? अब ये तो रिजल्ट सामने आ जाएगा उनसे। 5 साल जो 5 साल पार्षद रहे हैं आपके, उनके कामों से कितना खुश हैं? उनके काम तो बिल्कुल मान के लो 100 में 99% उनसे सब असंतुष्ट हैं। क्या असंतुष्टि की वजह है? ना उन्होंने कोई साफ सफाई कराई है, ना नालियों का कोई शुद्धिकरण कराया है, रोडों का गड्ढा मुक्त तो किए नहीं गए, नया तो बनाया ही नहीं है। यहाँ तमाम जिम्मेदार हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि आखिर जब ये 4 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो किन मुद्दों को देखते हुए करेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं। जावेद अख्तर। जावेद जी, जब 4 तारीख को वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या चीजें रहेंगी, क्या अपेक्षाएं रहेंगी जिसको आप लेकर वोट देंगे? हमारे जो वार्ड की समस्या है, नाली, खड़ंजा, बिजली, बस यही बेस है और कोई बेस तो है नहीं। मैं जहाँ तक आपके वार्ड में अलग अलग क्षेत्रों में गया, आम जनता से बात किया, कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान बेफल नजर आता है।
अगर ठीक सामने मैं देख पाऊँ तो यहाँ कूड़ों का भंडारण हुआ है। अगर बात करें तो 4 तारीख को जब वोट देंगे तो आप अपने जिनको भी चुने क्या अपेक्षा रखेंगे? अपेक्षा यही रखेंगे जो भी प्रत्याशी चुन के आए अपने वार्ड का विकास करे और क्या जी। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, आवास योजना है, इज्जत घर शौचालय है, राशन योजना है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने की तमाम विधियां बताई जा रही हैं, कितना यहाँ जमीन पर उतरते हुए नजर आया है? देखिए सरकार अपने तरफ से सब सुविधाएं दे रही, ठीक, इसमें कुछ पब्लिक को भी होना चाहिए, पब्लिक को भी समझना चाहिए कि पब्लिक भी अपने हिसाब से कुछ करे। अब पब्लिक फेंक देगी तो सरकार इसमें क्या करेगी? पूरा सरकार की तो अपनी सुविधाएं दे ही रही है जी। सरकार और पब्लिक जब तक मिलकर साथ नहीं चलेगी तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा जी। हम यहाँ शहीद भगत सिंह वार्ड में हैं जहाँ की जनता कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर नाखुश नजर आ रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? घनश्याम। घनश्याम जी, आप 4 तारीख को चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का ये महापर्व पर्व है, तो जब आप अपने नेता को चुनेंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में देंगे कि अगर वो जीत के आए तो किस मुद्दों पे काम करें? अब ये हमको नहीं पता है। आप इस क्षेत्र में रहते हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छाइयां हैं? नहीं, हमारी भी बात सुनो, हम अनपढ़ हैं, हमारे बात कुछ समझ में आ रही है, हम बात नहीं बता। आपके पास भी अधिकार है वोट देने का, आप भी जाते हैं वोट देने, जब आप अपने नेता को चुनेंगे तो आपके जहन में क्या बातें रहेंगी? हम नहीं कुछ बता पाएंगे। आप नहीं बता पाएंगे? हम अनपढ़ हैं ना। अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, आप आम तौर पर अपने रोजमर्रा का काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं, समस्याओं को देखते हैं, तो क्या प्रमुख समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है इस वार्ड में और क्या अच्छाइयां हैं? हम वातावरण न कर पाए आप जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। और हम यहाँ और लोगों से बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है जी? आपका नाम क्या है? समेक मुन्ना जैन। मुन्ना जी, 4 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व है, क्या मुद्दों को लेके आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? अरे हम ये सोचेंगे कि हमारा जो चुने जाने वाला आदमी है वो अच्छा हो और क्या, हमारे समय काम आए बस और क्या। प्रमुख समस्या क्या है आपके वार्ड की? बस समस्या ये क्या है, रोडें सही रहें और लाइट की व्यवस्था सही रहे बस। कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान की यहाँ धज्जियाँ उड़ रही हैं, सड़कों पर कूड़ों का भंडारण देखने को मिल रहा है, इसको लेकर क्या आपने जनप्रतिनिधि से आप लोग शिकायत करते हैं? नहीं, कहते हैं तो सुनवाई होती है, ऐसा नहीं है, कहते हैं तो सुनवाई होती है, चाहे जहाँ हो, चाहे जिसकी सरकार हो, कहो तो सुनवाई होती है जी। तो साफ तौर से यहाँ की जनता कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक सवाल खड़ा कर रही है कि जिनके जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं इस पर विफल नजर आए हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि आखिर जब ये 4 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर करेंगे। हमारे साथ कुछ तमाम युवा भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये बात करने से बिल्कुल कतरा रहे हैं क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि युवा फेसबुक पर पोस्ट डालते हुए नजर आता है, समस्याओं को उठाता है, मगर जमीन पर बात करने से कहीं ना कहीं कतराता है। आप अपना नाम बताएं। रवि यादव। रवि, आप 4 तारीख को मतदान है लखनऊ में, लोकतंत्र का महापर्व है, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? सर जी यहाँ सब आपके सामने दिखा, इधर कैमरा दिखाइए सर, उधर बिल्कुल दिखाऊंगा। ये गंदगी पड़ी हुई है, पूर्व सभासद कुछ किए ही नहीं, ठीक है, रोडे गड्ढा युक्त है, जल भराव की समस्या है, ठीक है, और यहाँ पे संग्राम भाई बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। अगर बात की जाए तो यहाँ कौन सी पार्टी के नेता लड़ाई में हैं? सर यहाँ पे सबसे अच्छा काम तो संग्रामी भैया कर रहे हैं, ठीक है, और जो है आपके सामने है, थोड़ा उस तरफ कैमरा घुमाइए सर, दिखाइए उसको। मैं एक बार इनके कहने पे दिखाना चाहूँगा, एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ सड़कों पर कहीं ना कहीं कूड़ों का भंडारण देखने को मिल रहा है। और यहाँ और भी एक बुजुर्ग हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपने कई सरकारें देखी हैं, कई पार्षद आपके सामने आए हैं, अगर बात करें तो 5 साल का जो कार्य है उस पर कितना संतुष्ट या असंतुष्ट जो है वो हमें बताएं। अरे हुआ का कुछ नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, आवास योजना हो या स्वच्छ भारत अभियान योजना हो, इज्जत घर की योजना हो, कितना जमीन पर मिली है और कितना आप लोग को लाभ मिला है? लाभ का कुछ नहीं मिला, जो किसान पैसा हम लोगों को मिला चाहे भाव नहीं मिला। किसानों की प्रमुख समस्या क्या है? मिलते ही नहीं है, एक साल आवा है मिलते ही नहीं। अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में किसान अलग अलग फसल लगाते हैं और आवारा पशु का कहीं ना कहीं शिकायत यहाँ लोग बता रहे हैं, क्या कहेंगे?
बहुत शिकायत, हम खुदे जोड़न कोई का कभी कोई होता ही नहीं है। जब जाओ नगर निगम जाओ कहीं जाओ तो कोई होता ही नहीं है, कहीं चलो कल आएंगे वो परसों आएंगे, फोन करते रहो कभी होता ही नहीं। क्या कह रहे हो? 25 साल से हम लोग नगर निगम में हैं, यहाँ कोई आज तक कोई सुविधाएं है ही नहीं, पानी की टंकी तक तो है नहीं इस गांव के अंदर। अब बताइए 25 साल से हम लोग नगर निगम में हैं। आप अगर बात की जाए तो आप तत्कालीन जो पार्षद है इस क्षेत्र के निवासी हैं, जो तत्कालीन पार्षद है, क्या अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आप लोग जाते हैं? जाते हैं, हम लोगों को कोई सुनवाई? ऐसा निदान मिलता? कुछ नहीं मिलता है, वो कहते हैं कि हो जाएगा, बस कहानी खत्म हो गई, हो गया। अगर 5 सालों के कार्य पे आपको 10 नंबर में से नंबर देना हो तो कितने नंबर देंगे? नंबर हमारे हिसाब से कुछ नहीं देने वाले हैं। जीरो, अंडा, जीरो, कुछ नहीं, जीरो बटा अंडा। देखिए 4 तारीख को जब मतदान देंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत करेंगे, तो आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या चीजें रहेंगी? हमारे मन में नहीं रहा कोई वोट दे, कोई कोटे नहीं दे जाए, बकुल घर में बैठे चुप्पे का फायदा है वोट दे, वोट देश कोई फायदा तो है जी। तो यहाँ शहीद भगत सिंह वार्ड प्रथम की तमाम जनता थी जो कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं है उसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है और तत्कालीन जनप्रतिनिधि से कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रही है। और इनका कहना है कि जब 4 तारीख को लोकतंत्र के महापर्व मतदान का प्रयोग जब ये करेंगे तो प्रमुख मुद्दाओं को देख कर ये अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड से जनता किसे चुनकर अपना जनप्रतिनिधि बनाती है, वो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। नगर संग्राम में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।